जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए। आप लोगों के SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 1 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एसएससी जीडी के कांस्टेबल का जो रीजनिंग का लेवल है वह क्या होता है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर आप लोगों से पूछा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में। मतलब यहां पर इस समुच्चय में जो संबंध है ना आपस में तीनों संख्याओं के बीच, उसी तरीके का समुच्चय हमें दिए गए ऑप्शंस में से खोजना है। तो देखिए अब इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, 11, 13 और 17। क्या दिया गया दोस्तों, 11, 13 और 17 दिया गया है। तो देखिए यहां पर दिया गया 11, 13 और 17, ये जो है ना तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों ही क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको याद देखना है, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब देखिए दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहां पर देखेंगे तो इसमें देखिए यहां पर जो 9 दिख रहा है ना दोस्तों, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। इसमें आप देखेंगे जो 33 है ना, ये 3 और 11 से डिविजिबल है, मतलब विभाजित है, ये कैंसिल। 63 देखिए 3 से विभाजित है, ये कैंसिल। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में दी गई संख्याएं 43, 43 और 53, यह क्या है, सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, हमारे इस समुच्चय से मैच करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे बोला है कि बेन आरेख द्वारा बताइए शिक्षिका माता और स्त्री में क्या संबंध हो सकता है, बेन आरेख के द्वारा दर्शाकर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर शिक्षिका माता और स्त्री, तो जितनी भी माता होती है वह सभी स्त्री होती है, इस बात से आप सहमत हैं। तो देखिए क्या होगा, सभी माताएं जो होती है ना, सभी माता जो होती है वो क्या होती है, स्त्री होती है। तो ये हमारा बन गया पहला वाला भाग, तो सभी माता क्या होती है, स्त्री होती है। उसके बाद तीसरा जो दिया है वो है शिक्षिका, वो क्या है, शिक्षिका। तो शिक्षिका क्या हो सकती है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ शिक्षिकाएं माताएं भी होती हैं, कुछ शिक्षिकाएं स्त्रियां भी होती है। तो मतलब जो कुछ शिक्षिका है ना वो माता और स्त्री दोनों होती हैं और सभी माताएं स्त्रियां होती हैं। तो दिए गए बेन आरेखों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा यहां पर होएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यहां पर आपको बोला है अगर P का अर्थ क्या दिया है आपको, प्लस, और Q का अर्थ आपको दिया है माइनस, और R का अर्थ दिया है आपको मल्टीप्लाई, और S का अर्थ दिया है आपको भाग का चिन्ह, तो व्यंजक का मान क्या होगा, इस व्यंजक की वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं 14, R की वैल्यू क्या दी है, तो आप देखेंगे R का मतलब है मल्टीप्लाई, 9 लिखते हैं यहां पर। S का मान क्या दिया दोस्तों, भाग, भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर इसके बाद देखिए P का मतलब क्या है, धन, फिर लिखेंगे यहां पर 40, और फिर Q देखिए, तो Q क्या है, Q का मतलब है माइनस, और यहां पर लिखेंगे 11। तो यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन तैयार हो गई, अब इसका सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, तो 14 का पावर 9 बार लेंगे तो कितना आएगा, 126, भाग करना है किससे, 6 से, प्लस 40 में से 11 घटा दीजिए तो कितना बचा, 40 में से अगर 11 घटाते हैं, और ना चाहो तो जो सिक्वेंस से करना है तो सिक्वेंस से भी कर सकते हैं, जैसे डिमास में होता है पहले प्लस फिर बाद में माइनस, 6 से भाग देते हैं, 6 दुआ 12, 6 एकम 6, धन 40 ऋण 21, तो 40 और 20 को जोड़कर 51, उसमें से 11 घटा दीजिए, 40 और 20 67 61, यहां पर क्या है 61 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है 50, तो 50 क्या दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर अल्फाबेट से रिलेटेड, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है CF, और यहां दिया है आपको I, फिर दिया है RO क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया है UXA। तो अब आपको क्या करना है, यहां जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना इसकी जगह क्या आएगा दिए गए ऑप्शंस में से, यह बताना है। तो इसमें क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, यदि हमें पता चल जाए तो हो जाएगा आसान।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अल्फाबेट है ना उनके आपको अंक याद होना चाहिए। ए एक स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर बी आता है, तीसरे स्थान पर सी, ऐसे आपको याद होना चाहिए। जैसे जे 10वें नंबर पर आता है, इस तरीके से। तो देखिए ये है 3, ये है 6, ये है 9। तो क्या हुआ, यहां पर +3 हुआ, यहां पर भी क्या हुआ +3 हुआ। अब देखिए आर से ओ जाने पर भी क्या हो रहा है +3, मतलब कि यहां पर प्लस नहीं, यहां पर -3 हो रहा है। 18 है और ये 15 है तो -3 हुआ। यहां देखिए तो क्या हो रहा है, 21 और 3 24, तो +3। यहां पर देखिए तो यहां पर भी +3, यहां -3, तो सेम पैटर्न, पैटर्न एक लाइन में एक जैसा पैटर्न, जैसे प्लस 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 प्लस, यहां माइनस वाला है तो क्या होगा माइनस माइनस। तो ये 15 पे है, ओ में से 3 गया, मतलब कि 15 में से 3 गया, तो 12, 12 का मतलब क्या है एल। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है सात व्यक्ति, सात व्यक्ति कौन कौन से दिए हैं आपको, नाम दे दिए हैं, सात दोस्त हैं। बोला है इसमें एक व्रत में बैठे हुए हैं, कैसे में बैठे हुए, कैसा भाग है, एक व्रत में बैठे हुए हैं। तो चलिए एक व्रत बना लेते हैं, थोड़ा सा ये हमारा व्रत बन गया। अब बोला है गौरव जो है ना मनीष और राहुल का पड़ोसी है। क्या बोला है दोस्तों, गौरव जो है वो मनीष और राहुल का पड़ोसी है। मतलब क्या हो गया कि गौरव मनीष का भी पड़ोसी है, राहुल का भी, मतलब क्या हो गया। तो आप कहेंगे कि ये जो गौरव है ना, ये क्या है, बीचों बीच बैठा है, गौरव बीचों बीच बैठा है, और इधर बैठा है मनीष, और इधर क्या बैठा है दोस्तों, राहुल, ऐसा हम बैठा सकते हैं। तो देखिए पहली शर्त हमारी लागू हो गई कि जो गौरव है ना वो राहुल का भी पड़ोसी है और मनीष का भी पड़ोसी है। दूसरी लाइन क्या कहता है, अनीस मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन ये तीनों नाम अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, तो यहां पर हम नहीं करेंगे, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। देखिए तीन लोग तो ये हो गए, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 भाग आप पहले ही बना लेंगे, ठीक है, जितने भी लोगों की बोला जाता है। अब आगे वाली लाइन, प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है, प्रीति जो है मीता और प्रिया की पड़ोसी है, और अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अनीस के बाईं ओर कौन, प्रीति जो है ना वो अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए अगर मैं अनीस को यहां बैठाता हूं तो अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रीति यहां आ जाएगी, जैसे मैं आपको समझाऊं तो प्रीति यहां आएगी, लेकिन क्या बोला है, प्रीति मीता और प्रिया दोनों की पड़ोसी है। प्रीति क्या है, मीता और प्रिया दोनों की पड़ोसी है, तो इधर तो राहुल आ जाएगा, मतलब यह वाला स्थान हमारा क्या है, गलत है दोस्तों, यह वाला स्थान हमारा क्या है, गलत है। तो इसे हम यहां से रफ करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अनीस को यहां बिठाएंगे, अनीस को यहां क्या करेंगे, अनीस को यहां, इसका मुंह किधर है, अंदर की ओर, तो इसका लेफ्ट हुआ इधर। अब यहां पर ये लाइन देखिए, अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है कौन, प्रीति, अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहां कौन आ गई, प्रीति आ गई। अब ये वाली लाइन देखिए, जो प्रीति है ना मीता और प्रिया की पड़ोसी है, मीता और प्रिया की पड़ोसी है। अब जो मीता है या प्रिया है दोनों में से यहां एक आएगा, एक कोई भी आएगा, लेकिन यहां वाली अगर आप लाइन देखते हैं ना दोस्तों, तो ये दिया था कि क्या दिया था, अनीस जो है ना ये मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। ये तो देखिए अनीस और अनीस मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, अनीस मीता राहुल का। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर भी प्रिया या मीता बैठेगी, या तो यहां पर प्रिया मीता बैठेगी, तो लेकिन अनीस क्या है, मीता का पड़ोसी नहीं है, इस लाइन में हमें बताया गया है। तो यहां पर कौन को बैठाएंगे हम, यहां पर हम प्रिया को बैठा देंगे, और यहां पर किसे बैठा देंगे, मीता को बैठा देंगे। तो ये हमारे पूरे जम गए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, राहुल की स्थिति क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। पहला, प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में, तो देखिए प्रीति के बाईं ओर कहां है, प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में तो मीता है। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ दोस्तों, गलत, पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। देखिए सेकंड, मनीष और गौरव के बीच में, मनीष और गौरव के बीच में तो कोई भी नहीं है, अनीश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये भी नहीं। तो देखिए प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पर, प्रिया के दाईं ओर, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए, और जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा ये आपको बता रहा है। क्वेश्चन को मैं यहां नोट कर देता हूं, देखिए 11, 9, 7, फिर आपको दिया है 8, 12, 14, और फिर आपको दे दिया दोस्तों 4, 4, 0, 5, 4, 0, और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क दिया और बोला कि जो इसकी वैल्यू है ना दोस्तों वह क्या है। तो चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग की क्या होने वाली है। तो आप देखेंगे अगर हम लोग दोस्तों कुछ नजर आया आप लोगों को, तो देखिए मैं बताता हूं कि इस स्टोर में क्या चल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जी 11 में 8 का गुणा कर दीजिए, 11 में क्या कर दीजिए, 8 का गुणा कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा ना उसका 5 गुणा कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसका क्या कर दीजिए 5 गुना। तो देखिए यहां से क्या समझ में आया,
तो 11 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, और 88 का अगर आप 5 गुणा करते हैं ना तो क्या आ जाएगा 440। वैसे ही सेम पैटर्न अगर 12 में आप 9 का गुणा कर दें तो 12 नमा की 108, और 108 में अगर आप 5 का गुणा कर देना दोस्तों तो क्या आ जाएगा 540। 108 का 5 गुणा 100 से 500 और 8 का 5 गुणा 40, 540। सेम पैटर्न यहां पर भी लागू होगा। देखिए इन दोनों का पहले क्या कर दे गुणा, तो 14 सती 98, अब 98 का 5 गुणा कर दीजिए तो 48 की 0 और हासिल आया 4, तो यहाँ 45 और 4 49, तो राइट आंसर कौन सा इसका 490। किस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं, ठीक है। अब ये टी है, इसके दो पुत्र हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं दो पुत्र हैं और इनके जो नाम है वो क्या है, एक तो एन है दूसरा एल है। अब पुत्र है दोस्तों तो हम इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, इस तरीके से बाहर की ओर हम बॉक्स बनाते हैं, पुरुषों पर बॉक्स बनाते हैं, पुरुष के लिए क्या बनाते हैं हम लोग बॉक्स बनाते हैं, और महिला के लिए क्या बनाते हैं तो महिला के लिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए एस अपने पिता का इकलौता पुत्र है, एस जो है ना वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, या तो इसी का पुत्र है या तो फिर इसका पुत्र है, क्योंकि टी का तो है नहीं, टी के तो दो पुत्र है, बोल रहा है एस इकलौता पुत्र है, मतलब वो टी का पुत्र नहीं है, टी के तो ऑलरेडी दो है, तो इन दोनों में से किसी एक का पुत्र है, कौन है एस, या तो यहां होगा या तो फिर क्या होगा यहां पर होगा। अब आगे देखिए आर और एस टी के पोत्र है, आर और एस टी के पोत्र है, टी के पोत्र का मतलब क्या होगा बेटे के बेटे, तो आर और एस, तो देखिए आर और एस या तो आर या एस में से एक एल का पुत्र है या तो यहां पर इसमें से एक एल का पुत्र है, ये दोनों कंडीशन है। अब देखा है कि पी एल की पत्नी है, पी क्या है एल की पत्नी, एल की पत्नी है तो यहां पर हमने इसकी पत्नी बना दी है, पी जो है ना एल की पत्नी है, तो ये देखिए पी एल की पत्नी है। अब बोलता है एम एस की माँ है, अब देखिए ये तो इसकी पत्नी हो गई, तो दूसरी पत्नी रही किसकी, इसकी, इस वाले भाई की, मतलब इस वाले बेटे की, ठीक है, इस बेटे की पत्नी दूसरी कौन है एम है, और एम क्या बोलता है यहां पर देखिए एम एस की माँ है, एम क्या है एस की माँ, तो आर और एस में से किसकी माँ है एम एस की, तो देखिए अब यहां पर तो पी ऑलरेडी है तो यहां तो एस रख नहीं सकते हम लोग, तो यहां एस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी इसकी माँ हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या जाएगा ऑलरेडी अपने आप आर आ जाएगा, तो बस आपसे क्या पूछा है एन आर से किस प्रकार संबंधित है ऐसा पूछा है दोस्तों, एन आर से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का जो संबंध है वो आपको बताना है, इन दोनों का संबंध, तो देखिए आर, ये देखिए ये दोनों क्या है आपस में भाई भाई हैं, ये दोनों क्या हो गए आपस में भाई हो गए ना, देखिए एक ही बाप के पुत्र है एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं तो क्या हो गए आपस में भाई। अब भाई का बेटा क्या होता है भतीजा, तो इस आर का जो एन है ना क्या लगता है एन आर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एन आर का क्या लगता है चाचा लगता है, राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर सेकंड चाचा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के अंतर्गत निहित है, ये चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसके अंतर्गत आती है आपको बताना है, आकृति को घुमाने का चांस आपको नहीं दिया गया, तो आप देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई मिस्टेक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपको दिया गया कि इस भाषा को मतलब इस शब्द को इस जो यहां शब्द दिया है इसकी कोडिंग इस रूप में की जाती है, तो इस शब्द का जो कोड रूप है वो क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें क्या चल रहा है यहां पर आप लोग देखेंगे तो एस यू पी ई आर सुपरवास लिखा है ना, तो यह हमने सुपरवास लिख लिया, और इससे किस रूप में कोडिंग की गई है तो यू डब्ल्यू आर डी टी वाई और इसके बाद क्या दे दिया यू डब्ल्यू आर जी टी वाई सी यू जे। अब देखिए इन तीनों इन सब में क्या चल रहा है वही पैटर्न हमें सेम क्या करना होगा एंटीसेप्टिक में बताना होगा ए एन टी आई एंटी सेप्टिक, तो चलिए जल्दी से इसे भी देख लेते हैं, इसमें हमें दिखाना होगा ये रहे हमारा नेक्स्ट, तो अब इसमें हमें बता रहा है कि पैटर्न क्या चल रहा है दोस्तों, तो पैटर्न आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है 19 और ये 21 है तो प्लस 2, ये 21 और ये है क्या 23, तो यहाँ भी क्या हो गया प्लस 2, सेम टू सेम सभी नंबर में क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं आसानी से, इनके नंबर याद है ना तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, और नंबर याद नहीं है तो बहुत ज्यादा कठिन है।
अब इसमें प्लस टू करना है तो ये एक पे है, प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, प्लस टू करेंगे तो ये हो जाएगा सी, यहाँ पर प्लस टू करेंगे तो 14 और 2 16 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू करेंगे तो 20 दो 22 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू करेंगे तो 9 दो 11 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 दो 21 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू 5 दो 7 हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस टू करते हैं तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू करते हैं तो 20 दो 22 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू करते हैं तो 9 दो 11 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू करते हैं तो 3 दो 5 हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर कौन सा आया, सी पी वी के यू, सी पी वी के यू जी आर वी के ई, राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है दोस्तों और बोला गया है कि इसका जो नेक्स्ट नंबर है ना वह क्या होने वाला है। नंबर सीरीज में यहां साइड में लिख देता हूं, देखिए क्या दिया है, 11 14 26 53 और आप लोगों को दे रखा है 101। तो बोला है इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है ना वो क्या होने वाला है, 101 नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपसे बोला है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, आप लोग देखेंगे यहां पर तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 11 और 3 14, फिर यहां देखिए कितना प्लस हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, 14 में कितना जोड़ेंगे 26, तो 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, तो प्लस 12 हो रहा है। अब यहां पर देखिए तो इसमें से 13 में से 6 गई 7, 4 में से ये दे गया तो यहां 27 प्लस हो रहा है, यहां देखिए तो ऐसे हम घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 11 में से 3 गई तो 8 और यहां पर 4 आ जाएगा, तो यहां पर प्लस 48 हो रहा है। तो आगे वाला नंबर जो है ना दोस्तों वो हमारा क्या होगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे इन नंबर में भी कोई खास डिफरेंस चल रहा है क्या, तो आप यहां देखेंगे, देखिए 3 में कितना जोड़े तो 12 आया, 9 जोड़े तो 12 आया, 12 में कितना जोड़ा 27 आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 15 जोड़ दीजिए 27 आएगा, फिर यहां देखिए 1 और 2 या 2, तो आप भी देखिए यहां पर कोई सेम पैटर्न है क्या, तो आप कहेंगे कि सर जी यहां पर प्लस 6 चल रहा है, यहां भी क्या हो रहा है प्लस 6, सेम पैटर्न यहां होगा तो प्लस 6, 21 है 27 और 27 को जब इसमें जोड़ा जाएगा ना दोस्तों, 27 को किसमें जोड़ा जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 27 में अगर इसे जोड़ दें हम 48 को, तो देखिए 8 7 15 की 5 हासिल आई 1 4 2 6 और 1 7, अब इसे इसमें जोड़ना है तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 176, राइट आंसर कौन सा आने वाला है, 176 क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से यह आसानी से किया जा सकता था, आप लोगों को थोड़ी सी ना जो नंबर सीरीज है ना थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम लोग आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस भी ला रहे हैं, आप लोग अगर उसे देखना चाहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, और प्रीवियस ईयर पेपर तो हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा रहे हैं, तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है, क्या दिया है सभी कंप्यूटर क्या है डेस्कटॉप, तो चलिए सभी लिख देते हैं कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है, चलिए सभी कंप्यूटर जो है ना दोस्तों वो क्या है डेस्कटॉप है, सभी कंप्यूटर क्या है डेस्कटॉप, यह हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर क्या है लैपटॉप है, तो चलिए यहां से मैं इसे बना देता हूं, ये जो कुछ कंप्यूटर है ना ये क्या है लैपटॉप है। अब आप देखेंगे कि निष्कर्ष, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है क्या, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है क्या, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए यहां पर कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, अब ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो इसका लिए कुछ बिल्कुल सही है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ सही होता है, अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी सही होता है। तो देखिए कुछ लैपटॉप का जब सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है तो इसका मतलब देखिए यहां पर बोला है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, तो इसका कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है इसका मतलब क्या होगा, कुछ लैपटॉप भी क्या होंगे लैपटॉप, तो पहला वाला क्या हो गया सही हो गया, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ सही है। सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है क्या ये पूछा आपसे, सभी डेस्कटॉप देखिए क्या लैपटॉप है क्या, नहीं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है नहीं है, तो सेकंड वाला क्या है गलत है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है इसे समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को इस तरीके से एक पासा, पासा समझते हैं ना, पासे की खुली हुई आकृति दी गई है, क्या दी गई है एक पासे की खुली हुई आकृति दी गई है, यहां पर जो है ना ये डॉलर का चिन्ह है, यहां पर एक प्रतिशत का चिन्ह है, यहां पर एट द रेट का चिन्ह है, और यहां पर जो है ना हैशटैग का चिन्ह है, और इधर आप देखेंगे ना तो ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है ना हमारा, अभी आप लोगों को हिंदी में काम आने वाला है, और यहां पर देखिए ये तो इस तरीके से आपको दे रखा है, बोला है कि इनमें से 3 जो है वो बनाए जा सकते हैं और 1 नहीं बनाया जा सकता, तो यहां पर आपको ऑप्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों अब इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है ना एक छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर एक क्या होता है बिल्कुल, जैसे अब मैं इस ओ को यहां से उठा के कहां ले चलू, यहां ले चलू, इस ओ को उठा के यहां से यहां,
तो एक को छोड़कर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ये वाला इस वाले के विपरीत होगा, ये जो ओ है ना, ये जीरो है ना, जो ये इसके विपरीत होगा, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो है ना, ये डॉलर वाला इसके विपरीत होगा, ये जो डॉलर वाला है ना, ये एट द रेट के क्या होगा, विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ भाग है ना, ये बचा हुआ भाग ये इसके विपरीत, मतलब ये जो प्रतिशत का चिन्ह है ना दोस्तों, ये हैशटैग के विपरीत होगा। अब यहाँ पर एक शर्त होती है कि जो विपरीत चिन्ह होते हैं वो कभी भी पासे पर एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, किसी भी पासे पर कोई भी विपरीत चिन्ह, जैसे एक पासा अगर है कोई आकृति, ये पासे की आकृति, जैसे यह एक आकृति मान लो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिख रहा है, ऊपर है ना भाग का चिन्ह दिख रहा है, हैशटैग दिख रहा है, और ये जीरो दिख रहा है। तो आपसे पूछा गया है क्या यह बनाया जा सकता है क्या, तो यह आपको देखना है। तो देखिए अगर इसमें विपरीत चिन्ह एक साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो यह बनाया जा सकता है। तो देखेंगे विपरीत चिन्ह, यहां पर यह देखिए हैशटैग है, हैशटैग ये रहा, इसके बाद देखिए जीरो है तो जीरो ये रहा, इसके बाद देखिए कि यहां पर यह हमारा परसेंट का चिन्ह है, ये क्या परसेंट का चिन्ह, तो ये देखिए ये तो दोनों एक साथ आ गए, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया, गलत, ये वाला जो है ना ये नहीं बनाया जा सकता, इसको कैंसिल करते हैं। सी वाले में देखिए यहां पर परसेंट का चिन्ह दिख रहा है, ओ दिख रहा है, हैशटैग दिख रहा है। अब इसमें देखना है ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ओ वाला दिख रहा है, फिर हैशटैग दिख रहा है, हैशटैग के बाद देखिए प्रतिशत का चिन्ह दिख रहा है, तो यहां भी ये दोनों दिख गए, तो ये वाला भी क्या होगा, बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप बाकी के करेंगे ना दोस्तों, बाकी के जब करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, रुकिए एक मिनट, हाँ बाकी के जब आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि केवल ए और बी जो है ना वो बनाए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस के ऊपर है, आप लोग आसानी से देख लेंगे, समझ में आ गए कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया कि होता क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है छह मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और किस दिशा की ओर उनका मुंह है, उत्तर दिशा की ओर मुख है, उनका उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। बोला है एच डी और जी के बीच में बैठा है, तो बाकी कोई सबको हम समझते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, किसका मतलब क्या दोस्तों, जिधर और हमारा मुंह है उधर की ओर मुख करके बैठा है, ये आप समझ लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो जैसे ये पेन मेरे सामने आ गया, आप ये बोर्ड पे मैं लिखूंगा, तो ये मेरे सामने, तो इधर क्या होगा, उत्तर का मुख हो गया, जो हमारा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट, जो हमारा दायां होगा वो उस प्रश्न का भी दायां। आप देखते हैं यहां पर, तो आप देखिए क्या दिया है इसमें, उत्तर की ओर एच डी और जी के बीच में बैठा है, ये जो एच है ना ये किसके बीच में बैठा है, डी और जी के बीच में बैठा है, जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा है, जो बी है ना एल और ए के बीच में बैठा है, ए और डी अंतिम छोर पर है, ए और डी अंतिम छोर पर है, तो देखिए एक तो अंतिम छोर पर आ गया है, दूसरे वाले को अंतिम छोर पर देखते हैं तो मित्र कितने हैं, टोटल छह, तो देखिए तीन स्थान तो भरा गए, आप तीन स्थान और भरा लिया, बना लिया हमने, और लास्ट वाले पे क्या आएगा, ए आएगा, ये समझ में आ गया, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले तीन बनाए फिर ये जो लास्ट वाले थे ये पता चल गया हमें, डी और ए, तो डी तो इस कोने पर है, ए को वो कोने पहुंचा दिए, बीच में जगह खाली आ गई। अब देखिए क्या बोला है, जबकि बी एल और ए के बीच में, जो बी है ना वो क्या है, एल और ए के बीच में है, तो देखिए हमारी पूरी पंक्ति बैठ गई। यहां पर क्या पूछा गया है, जी और बी के मध्य कौन बैठा है, तो जी और बी के मध्य देखिए कौन बैठा हुआ है, ये कौन सा महाशय है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एल जो है ना जी और बी के बीच बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों की यहां पर क्या सीरीज चल रही है, देखिये 20, 22, 27 क्वेश्चन मार्क, फिर आपको दिया है 55, 78 और फिर कितना दे दिया 109। अब बोला है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है ये आप लोगों से बताना है, आप लोगों को पूछा गया है। तो यहां पर देखिए 20 और प्लस 2 करेंगे तो 22, 22 में प्लस 2 करेंगे तो 27। अब यहां पर कोई प्लस चल रहा है, फिर यहां पर देखिए कितने का अंतर आ रहा है, तो 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 5 गया 2, प्लस 23 हुआ है। यहां पर आप देखिए 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, तो प्लस 31 हुआ है ना। तो अब यहां पर चल क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, तो आप लोग देखिए यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। दो आप देखिए अभाज्य संख्याएं जानते हैं आप लोग, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या दोस्तों ये क्या, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, 2, 3, 5, 7 फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और उसके बाद फिर 23, फिर 29, फिर 31, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें यहां कौन कौन सी दिख रही है, देखो दो दिख गई ना, यहां पर दो दिख गई ना आप लोगों को, तो देखिए दो यहां पर यूज हो रही है, फिर एक छोड़कर आगे बढ़ता है 5 यहां पर यूज हो रही है, फिर एक छोड़कर आगे बढ़ेगा, तो मतलब यहां पर 11 प्लस करना हमें, तो 27 में अगर हम 11 प्लस करें तो बताइए क्या आएगा, 27 में 11 प्लस करें तो क्या आएगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, एक छोड़कर 17, तो ये 17 प्लस करने पर 55 आ गया ना, तो समझ लो कि हमारी सीरीज सही बैठ गई है। तो 7 और 8 कितना, 15, 15 की 5 हासिल आएगी, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये सही है, मतलब कि यहां पर क्या आने वाला है,
38 आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों? 38। इसके आगे भी देखिए बिल्कुल यही सेम कंडीशन है, 17 के बाद 19 छोड़कर 23 लिया गया, 23 के बाद 29 छोड़कर 31 लिया गया, मतलब एकांतर क्रम में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक आकृति आपको दी गई है और बोला गया है कि इस आकृति को फोल्ड करके किस तरीके से काटा गया था। तो यहां पर कोई सा भी एक भाग ले लीजिए, बस एक भाग ले लिया ना, तो वही क्या था जब उसको चार बार घड़ी किया गया, जैसे एक पेपर है उसको हमने चार बार फोल्ड किया, उसमें कटिंग की। अब जब उसे चार फोल्डिंग हम खोलेंगे तो चारों जगह बिल्कुल वही वाले उसकी के जैसे दिखाई देगा ना, जिसमें हमने चार बार मोड़कर एक बार उसे कटिंग की थी। तो देखिए इसमें ये जो चार चित्र दिख रहे हैं ना, इसमें से जो एक दिख रहा है ना, वही क्या है आपका आंसर, मतलब उसके जैसा ही। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में जैसी आकृति हमने काटी थी वो खुलने के बाद सभी जगह वैसी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो यहां पर लिखा है ADF, ठीक है, क्या दिया है ADF, फिर क्या दिया है BEG, फिर क्या दिया है CFH। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि करेक्ट क्या होगा, तो देखिए यहां पर A में प्लस वन कीजिए, B में प्लस वन कीजिए, C में प्लस वन कीजिए, तो क्या जाएगा, C में प्लस वन करेंगे तो D, यहां भी प्लस वन किए, फिर यहां भी प्लस वन किए, F में प्लस वन कीजिए, तो F प्लस वन कितना होता है, कितना होता है, तो यहां पर F के बाद G, इधर भी प्लस करना है तो प्लस वन, यहां भी देखिए प्लस वन, तो एच में प्लस वन करेंगे तो आई, तो DGI। राइट आंसर कौन सा है? DGI, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे बोला है कि इसे इस रूप में लिखा जाता है तो ये क्या होगा। तो इसे हम देखते हैं कि इस रूप में लिखा है तो क्या पैटर्न चल रहा है। GARDEN, गार्डन लिखा है, और इसे किस रूप में लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि EBP, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों ECO, ये देखे रखा है। तो अब इसमें क्या पैटर्न चला ये हमें देखना है। तो देखिए जी से ई आया मतलब क्या हुआ, -2, क्या हुआ -2, ए से बी आया +1, आर से पी मतलब 18 से 16, तो क्या हुआ -2 हुआ, यहां पर बी से ई +1, ई से सी -2, यहां पर +1, मतलब क्या पैटर्न है, -2 +1 -2 +1 चल रहा है। तो अब इस वाले को भी वैसे लिखेंगे, देखिए फ्लॉबर लिखा है, क्या लिखा है फ्लॉबर, ये फ्लॉवर लिखा है, और इसे -2 +1 के हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए -2 करेंगे तो ये 6 में से 2 गया तो 4, फिर यहां देखिए यहां +1 करना है तो L और M, -2 करना है 15 में से 2 गया तो 13, यहां पर +1 करना है तो 24 हो जाएगा, यहां पर -2 करना है तो C हो जाएगा, यहां पर +1 करना है तो R के बाद S आता है, तो DMMXCS राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऊपर ठीक उसी तरह से नीचे से संबंधित है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है, एक दूसरे क्या है एंटोनिम्स है, विलोम है। तो आपसे पूछा गया है कि ठंडे का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि ठंड का जो विलोम होता है वो क्या होता है, हॉट, मतलब कि क्या, गर्म, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यहां पर एक फिगर आपको दिया गया है और इसे घुमाया जाता है, तो इस तरीके से फिगर आप लोगों को दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ये वाला फिगर आपको दे रखा है, ये वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है, तो चलिए ये वाली लाइन को भी थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं, ये वाली लाइन इस तरीके से बड़ी है। अब आपसे क्या बोलता है कि इस आकृति पैटर्न, एक आकृति ये जो आकृति इसे एक पैटर्न के हिसाब से घुमाया जा रहा है, तो उसी पैटर्न पर जो चौथी आकृति वो क्या होगी, तो देखिए इसे क्या होता है एंटी क्लॉक वाइज घुमाया जा रहा है। देखिए अब यहां से आप देखेंगे कि यहां पर देखिए ये आया, सेकेंड वाली आ गई, अब सेकेंड वाली के बाद थर्ड वाली कैसे आएगी, तो इसे भी एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने पर, ये देखिए ये वाला भाग आ गया थर्ड वाला, और इसे जब हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये कैसा दिखना चाहिए फोर्थ वाले में, इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यहां पर इस तरीके से इसे, इस शब्द को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, इस शब्द को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, तो यहां पर ये जो शब्द है इसे किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा, तो देखिए इसका बिल्कुल सरल सा आंसर है, क्या समझना है, यहां पर अक्षर गिनिए, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 1, 11, तो इसे कितना लिख दिया 11, यहां पर अक्षर गिनिए तो 3, 3, 6 और 1, 7, तो इसे 7 लिख दिया, मतलब इसका जो राइट आंसर वो क्या आने वाला है, 3, 3, 6, 6 और 4, 10, तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए इसमें क्या बोला गया दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, है ना, हमारी मेहनत को एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SSC GD की क्वेश्चनेबल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस टॉपिक वाइज देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए अब आपसे बोला है मास्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो देखिए मास्टर है ना, ये MASTER है, अब मास्टर को क्या लिख दिया, NBTUFS लिख दिया दोस्तों, तो यहां पर क्या कलाकारी की गई है, तो आप देखेंगे कि यहां देखिए क्या हुआ है, +1, यहां भी +1, ST +1, TU +1, EF +1, RS +1,
सब जगह क्या हुआ, एक एक जोड़ा गया है। तो इनफ को क्या लिखा जाएगा, ई एन ओ यू जी एच, इनफ को क्या लिखा जाएगा आपसे यह पूछा है। तो देखिए प्लस वन का रूल चल रहा है, तो ई में प्लस वन जोड़ेंगे तो एफ, एन में प्लस वन जोड़ेंगे तो क्या होता है, एन के बाद ओ होता है, ओ में प्लस वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा पी, और यू में प्लस वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा बी, जी में प्लस वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा एच, एच में प्लस वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा आई। देखिए कहां आंसर दिख रहा है, एफ ओ पी बी एच आई, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर बोला है एक कक्षा में यदि तीन विद्यार्थी अनुपस्थित हो, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में यदि तीन विद्यार्थी अनुपस्थित हो, शेष विद्यार्थियों को समान सात समूहों में बांट सकते हैं हम लोग। मतलब कि तीन विद्यार्थी नहीं आते तो सात बराबर समूहों में हम लोग बांट सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कुल विद्यार्थी जो है ना दोस्तों कितने हैं, कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट या कुल विद्यार्थी जो है ना वो कितने हैं, तो हम मान लेते हैं एक्स है, हम क्या मान ले उसे एक्स मान ले। तो अगर इसमें से तीन विद्यार्थी ना आए, तीन विद्यार्थी ना आए तो ये जो ट्रूप है ना, ये जो ग्रुप है ना, ये सात बराबर भागों में बढ़ जाता है, पहली कंडीशन ये कहती है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, तो देखिए यहां हो गया, यदि समान रूप से, यदि देखिए यदि सात विद्यार्थी अनुपस्थित हो, क्या बोला है, यदि सात विद्यार्थी अनुपस्थित हो, मतलब कि एक्स में से सात विद्यार्थी ना आए तो इस ग्रुप को या इस समूह को नौ बराबर समूहों में बांटा जा सकता है। उसको सात ना आने पर जितने भी बच्चों को उन्हें नौ बराबर समूहों में बांटा जा सकता है। तो आपसे पूछा गया विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो इसे करने का जो सबसे आसान तरीका है ना दोस्तों वो है ऑप्शन का। देखिए पहले क्या बोला कि टोटल विद्यार्थी कितने नहीं पता हमें, एक्स मान लिया हमने। अब हमने कहा कि तीन विद्यार्थी नहीं आते तो उसके सात बराबर बराबर समूह बांट देंगे, मतलब कि एक्स में से तीन माइनस करो जितने स्टूडेंट बचे उसे सात बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो इसलिए सात से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितने भाग निकल रहे हैं। अब सात ऑप्शन रहते हैं तो नौ बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो पता चल जाएगा कि एक भाग में कितने स्टूडेंट है, ये हमने कर लिया। ऑप्शन से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है, तो देखिए यहां पर आप ऑप्शन से करेंगे ना दोस्तों तो आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर एक लेने पर हमें क्या पड़ता है, देखिए 115 है, 115 है अगर हम लेते हैं तो 115 में से तीन माइनस कीजिए और सात बराबर भागों में, तो यहाँ 112 को सात से काटिए तो क्या आता है, किसके पहाड़े में 112, तो 16 के पहाड़े में, 16×96 16×7=112, मतलब 16 समूहों में बांटा जा सकता है। इसे देखिए 115 में से अगर सात को घटा देना तो कितना, 5×2=7 108 में बटे में सात लिखिए, सात से काटिए तो कितनी बार, यहां पर सात नहीं बटे में नौ लिखना है क्योंकि यहां पर नौ समूह बन रहे, कितने समूह बन रहे हैं, नौ समूह, तो नौ उसे काटेंगे तो 12 समूह यहां पर बन जाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। अब देखिए बाकी का ऑप्शन क्यों नहीं सही है यह भी मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर आप लोग 115 की जगह कुछ और रखेंगे ना तो आंसर आएगा ही नहीं, कैसे, आप रखिए 87 रखेंगे तो 87 में से तीन गया तो कितना बचा दोस्तों, 84। अब 84 में सात से भाग देंगे, 7×7=7 2×14 पहला वाला तो कट गया सर, दूसरे वाले में क्या होगा देखते हैं, 87 में से सात घटाइए 80। अब 80 में तो 80 जो है ना 9 के पहाड़े में आता ही नहीं, मतलब बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, बराबर भागों में बांटना है ना हमें 9 बराबर भागों में। इसके बाद ये वाला ऑप्शन देखिए, 140 में से तीन गया तो कितना बचा, 137। 137 में सात से भाग नहीं जाता है, मतलब कि ये भी बराबर भागों में नहीं बटने वाला, ये वाला ऑप्शन भी किसी काम का नहीं। 101 में से तीन गया तो कितना बचा, 98 को सात से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 7×7 इधर आए 7×28 14 बार, लेकिन 101 में से सात को घटाइए तो कितना बचा, 101 में से सात को घटा दीजिए तो आप कहेंगे कि सर जी 101 में सात घटेगा तो आ जाएगा 95, क्या आ जाएगा दोस्तों, 94 है ना, 94 के बटे में 9, तो 9 के पहाड़े में तो 94 आते ही नहीं, कटेगा नहीं, मतलब कि यह भी बराबर समूह में नहीं बांटा जा सकता। तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, कितने विद्यार्थी है, 115 विद्यार्थी है जिसमें यह शर्तें लागू हो रही है, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला गया, वीडियो अगर तेज लग रहा है ना, फास्ट लग रहा है तो वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लेना आप लोग। देखिए यहां पर क्या बोला है, चार अक्षर समूह में किसी तरह से समानताएं हैं, तीन एक समान है और एक जो अलग है उसे आपको चुनना है। अब यहां पर आप देखिए क्या दिया है, ए ई आई एम क्यू ये दे रखा है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, के ओ एस डब्ल्यू ए, उसके बाद देखिए क्या दिया है, ई आई एम क्यू यू, उसके बाद देखिए क्या दिया है, तो दिया है एन आर यू जेड ई। अब हम इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर जी प्लस फोर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस फोर हो रहा है, 9×4=13 हो रहा है, 13×4=17 हो रहा है,
सेम पैटर्न देखिए, 11 4 15 हो रहा है, 15 4 19 हो रहा है, 19 और 4 कितना 23, 23 और 4 कितना होता है 23, और 4 कितना होता है 27, 27 पर ए आता है। फिर यहां देखिए 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। फिर यहां देखिए तो यहां पर 9 और 14 4 18, 18 और 3 21 हो गया, यहां पर 3 आ गया दोस्तों, यहां पर 3 आ गया है। और 21 4 यहां पर 21 और 4 25 होता है, 25 और यहां पर प्लस 5। तो देखिए जो पैटर्न है ना वो बिगड़ चुका है। तो किस कौन सा इसका बिल्कुल सही नहीं है, इसमें जो असंगत है सबसे अलग ऑड है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसके आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब इस साइड में अगर दर्पण रख दूं दोस्तों, दर्पण रख दूं तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये जो चिन्ह है ना ये सारे बदल जाएंगे, ये पास जो पास वाला भाग है वो पास वाले की तरफ आएगा और दूर वाला दूर वाले की तरफ। तो ये दर्पण प्रतिबिंब में हमने आपको अच्छा समझाया, आप वहां समझ लेना। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि यहां पर इसके हिसाब से देखिए ये एफ ए सी ई टी, उसके बाद आप सब देखेंगे ना दोस्तों, तो एफ ए सी आई डबल एल आई टी वाई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए एफ ए सी आई एल ई, फिर देखिए एफ ए सी यू एल टी वाई। इसमें से आप बताना है आप लोगों को क्या बताना है, तो जरा आप ध्यान से देखिए। आपसे बोला है कि इसको अल्फाबेट के हिसाब से अगर जमाएं तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम इसे करते हैं, तो देखिए क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे तो जो इसमें एक जैसे शब्द होते हैं ना उन्हें आपको छोड़ देना है। एक जैसे शब्द देखिए ये हमारे किसी काम के नहीं, इन्हें हमें छोड़ देना। आप बाद में देखते हैं अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले नंबर पर आएगा वो सबसे पहला होता है। तो देखिए ई आई आई यू सबसे पहले कौन सा आता है, ये वाला ई वाला आता है, तो ये सबसे नंबर एक पर आ गया, ठीक है, ये नंबर एक पर आ गया चार में से। अब इसमें देखिए आई आई यू में से पहले क्या आता है, तो आई और आई वाले पहले आते हैं, तो अब ये आई और आई वाले हम पहले लेंगे, तो मतलब ये इन दोनों में से कोई सा एक दूसरा है और एक कोई सा तीसरा है, तो ये बेचारा जो लास्ट में बचा ये तो चौथे नंबर पर ऑलरेडी आ गया ना, ये तो चौथे नंबर पर ऑलरेडी आ गया, क्योंकि इन दोनों में से दूसरा तीसरा निर्धारित हो जाएगा क्योंकि आई यू से पहले आता है। अब देखिए ये एक जैसे है तो इसे भी छोड़ दीजिए, इसमें देखिए ये वाला शब्द भी एक जैसा है इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए कि इसमें से ए या ई पहले आता है, तो आप कहेंगे सर जी ए से पहले ई आता है, मतलब ये दो नंबर पर है ये तीन नंबर पर है, तो अब इसे हमें जमाना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों वो क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो देखेंगे आप लोग सबसे पहले कौन सा नंबर वाला, यहां पर देखिए एक नंबर वाला सबसे पहले, एक नंबर वाला, दो नंबर पर क्या है ये देखिए तीसरा वाला, तीसरा वाला है यहां पर तीसरा वाला, तीन नंबर पर क्या है तो आप कहेंगे सर जी दूसरा वाला है, और चार नंबर पर तो चौथा वाला है, तो ये वाला ऑप्शन आपको जहां दिखेगा वही आंसर है। तो आप कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर है ना सर वो कौन सा है, कोई सा एक शब्द छूट गया क्या, फैसिलिटी फैसिल फैक्ट, फैक्ट वाला शब्द आपका छूट गया है, तो वो फैक्ट वाला जो है ना वो टी है, फैक्ट वाले में देखिए यहां पर आप मैं बता देता हूँ फैक्ट, तो ये एफ एट सी तो छोड़ते हैं, तो टी जो है ना इन सबसे आखिरी में आता है, मतलब नंबर पांच क्या होगा सबसे आखिरी में आ गया, नंबर पांच क्या होगा दोस्तों सबसे आखिरी में, तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन जो कि हमने आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के रीजनिंग के कराए। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को अदर सब्जेक्ट के भी टॉपिक वाइज सारे के सारे सिलेबस के हिसाब से क्लासेस देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के सभी सॉल्यूशन देखने के लिए भी चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।